ऐसा खस्ता समोसा देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। क्या आपके भी मुंह में पानी आ जाता है? आप देख रहे हैं कितना खस्ता बना है। आपको क्या लगता है, ऐसे समोसे घर में बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। रेसिपी को पूरा देखिए, बहुत ही आसान है इसे बनाना। वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे नॉर्थ इंडिया का फेमस समोसा, काले मसाले वाला समोसा। इसे मैंने बहुत बार ट्राई किया, अब जाके ये बहुत अच्छा बनने लगा, सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। चलिए बनाते हैं काले मसाले वाला समोसा। खस्ता समोसा बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसका आटा एकदम परफेक्ट गुथा हो। एक बर्तन में मैदा छान लीजिए, इसमें अजवाइन क्रश करके डाल दीजिए, साथ ही डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक और डाल देना है घी का मोयन। समोसे का आटा तैयार करते समय एक बात का ध्यान रखिए, इसमें हमेशा घी का या फिर वनस्पति घी का ही मोयन डालें, और मोयन कभी भी ठंडा डालें, गरम करके ना डालें। अगर आप इसमें गरम करके डालेंगे तो समोसा खस्ता नहीं बनेगा, इसलिए इसमें ठंडा ही घी या तेल या फिर वनस्पति घी डालें। मैंने 3 कप मैदा लिया है, इसमें डाल रही हूँ 6 टेबलस्पून घी। अगर आपने 1 कप मैदा लिया है तो 2 टेबलस्पून घी डालिए। सभी इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसकी वजह से समोसा खस्ता बनता है। अगर टेबलस्पून नहीं है तो आप इस तरह से चेक कीजिए, बंद मुट्ठी वाला मोयन चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से आटा गूंथ लीजिए। पानी ना तो हमें गर्म लेना है ना ही ठंडा लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। अभी समोसे का आटा गूंथने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है। सभी इंग्रेडिएंट को पानी के साथ कंबाइन कीजिए, ढक के रख दीजिए। 1 कप पानी में से 1 चम्मच पानी बच गया है। जब तक आटा सेट हो रहा है स्टफिंग तैयार कर लेंगे। 1/2 किलो आलू उबाल कर छील के साइड में रख दीजिए। कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल गरम कर लीजिए। गरम तेल में डाल दीजिए हींग, कद्दूकस किया हुआ अदरक, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, फ्लेम लो कीजिए, 1 मिनट तक भून लीजिए। 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया लीजिए, दरदरा कूट लीजिए। इससे समोसे की स्टफिंग का टेस्ट बिल्कुल हलवाई वाला हो जाएगा। और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। वैसे तो काले मसाले वाले समोसे में हल्दी नहीं डालते हैं, पर मैंने 1 पिंच डाल दी है। अब इसमें डाल दीजिए धनिया पाउडर, जीरा और लाल मिर्च पाउडर। देखिए भाई, लाल मिर्च पाउडर तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। कसूरी मेथी डालिए और चला लीजिए। मैं वैसे चलाने के लिए बार बार नहीं बोल रही हूँ, पर अगर आपका मसाला जल रहा है तो आप बीच बीच में चला सकते हैं। लास्ट में डाल दीजिए अपने पसंद का गरम मसाला। आलू तो उबाल के हमने पहले ही छील लिया था, अब हाथों से मैश करके डाल लीजिए। ध्यान रहे, हाथों से ही मैश करना है। समोसे के आलू को पोटैटो मैशर की सहायता से कभी भी मैश ना करें। हाथों से मैश किए हुए आलू की तो बात ही कुछ और है। अगर आपने ये ट्रिक ट्राई नहीं किए हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें। अब मसाले को हलवाई वाला टेस्ट देने के लिए डाल दीजिए चाट मसाला, आमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, साथ ही डाल दीजिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डाल के फ्लेम कम कीजिए और 4 से 5 मिनट तक भून लीजिए। इससे मसाले का टेस्ट और बढ़ जाएगा। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में फ्लेम को हाई बिल्कुल मत करिएगा, लो फ्लेम पर ही इस काम को कीजिएगा। लीजिए, मसाला तैयार है। अब इसे ठंडा होने दीजिए, फिर हम स्टफिंग करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये काला मसाला समोसे वाली रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे जरूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आटे को आराम करते हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब तक आटा सेट हो गया होगा। अब इसे आपको मसलने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 2 से 3 मिनट तक मसल मसल के चिकना कर लीजिए।
समोसे को खस्ता बनाने की ये भी एक ट्रिक है कि पहले आटे को कंबाइन करके रखना है, बाद में इसको मसल के चिकना कर लेना है। इससे एकदम परफेक्ट खस्ता समोसे बनते हैं। गूथा आटा ना तो सख्त हो ना ही नरम। इसकी अब लोई बना लीजिए और ओवल शेप में बेल लीजिए, पर मैदा नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। कवरिंग के लिए जो रोटी बेल रही हूँ, इसकी जो मोटाई है बिल्कुल हलवाई वाली ही है, पर अगर आपको मोटी पसंद है तो मोटी बेल सकते हैं। चाकू की सहायता से कट कर लीजिए। जहाँ से कट किया है वहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा लीजिए, है ना, बहुत ही सिंपल आइडिया। जहाँ से पानी लगाया है वहीं से फोल्ड करना है ना, कितना आसान। नहीं तो सब कंफ्यूज होते हैं, पानी किधर से लगाना है किधर से नहीं। दबाते हुए चिपका लीजिए, तेल में ना खुले इस बात का ध्यान रखें। अब इसमें स्टफिंग भरिए, स्टफिंग थोड़ी सी दबा के भरिए, समोसे का शेप एकदम परफेक्ट आएगा। अगर आप इसमें कम भरेंगे तो शेप देना मुश्किल हो जाएगा। किनारों पर अंदर के साइड से पानी लगाइए, बीच में से फोल्ड कीजिए और बंद कर लीजिए। इस समय भी दबा के ही बंद करना है, तेल में ना खुले इस बात का ध्यान रखें। कितनी आसानी से परफेक्ट शेप आ गया है ना, बहुत ही आसान तरीका। इसे मैं खड़ा करके दिखाती हूँ। जैसे हलवाई के दुकान में लाइन से समोसे खड़े रहते हैं, सेम वैसे ही खड़ा हुआ है। इसका मतलब है शेप परफेक्ट है। इसे परफेक्ट खड़ा करने के चक्कर में सील करना ना भूलें। इसी तरह 4 से 5 समोसे बना लीजिए। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दीजिए और समोसे तलते जाइए। साथ ही आप दूसरे बेलकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिए। अगर आपको समोसा फोल्ड करने की ट्रिक नहीं समझ में आई है तो आप 1 मिनट का वीडियो और देख सकते हैं, और अगर समझ आ गई है तो 1 मिनट का वीडियो स्किप कर दीजिए। अगर आप समोसे एक साथ बनाकर रख रहे हैं और बाद में तलना चाहते हैं तो सभी समोसे को हल्के गीले कपड़े से ढक कर रखिए, नहीं तो कवर हार्ड हो जाएगा, तलते समय खुल सकता है। आप इन बने हुए कच्चे समोसे को भी फ्रिज में 1 दिन तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा दिन तक ना रखें, क्योंकि आलू की स्टफिंग है तो खराब हो सकती है। एक बड़ी कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही तेल थोड़ा सा गरम हो जाए, मींस हल्का सा गरम हो, तब एक एक करके समोसे डालते जाइए। जितने आसानी से आए उतने ही डालिए। तेल में इतने हल्के बुलबुले आए तभी समझ लीजिए तेल परफेक्ट है समोसे के लिए। अगर बहुत ज़्यादा बुलबुले आ रहे हैं तो फ्लेम बंद कर देना है, थोड़ा ठंडा होने देना है, उसके बाद समोसे डालने हैं। 2 से 3 मिनट तक समोसे को हाथ लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आपको लगने लगे ये नीचे से कुक हो गए हैं, उसके बाद ही चम्मच से पलट लीजिए। समोसा तलते टाइम फ्लेम को लो ही रखिए। जब तक समोसा पूरी तरह से कुक ना हो जाए तब तक फ्लेम लो रहने दीजिए। जब आपको लगने लगे ये कुक हो गया है, उसके बाद थोड़ी सी फ्लेम हाई कीजिए, कलर चेंज होने दीजिए और समोसे को पेपर टॉवल पे निकाल लीजिए। एकदम खस्ता समोसे बनेंगे। हल्का सा गुलाबी कलर आ जाने के बाद फ्लेम को हाई कीजिए। हाई फ्लेम पे लगातार पलटते हुए समोसे को तल लीजिए। एकदम परफेक्ट समोसे तैयार हो जाएंगे, कलर भी एकदम परफेक्ट आएगा। ये देखिए, आंच तेज करने के बाद फटाफट इसमें कलर आ गया है। कलर लाने के लिए आंच तेज करना भी बहुत जरूरी है। अब इसे पेपर टॉवल पे निकालिए, गर्मा गर्म सर्व कीजिए। हलवाई वाली ये टिप भी हमेशा ध्यान रखें, कलर लाने के लिए आंच तेज करना है, साथ ही आटे को परफेक्ट गूंथना है और मसाले को लो फ्लेम पे भूनना है। अगर आप इतना भी ध्यान रखेंगे ना, एकदम हलवाई वाले समोसे घर में बना लेंगे। खस्ता समोसे देख के मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। अगर आप इसी तरह की और भी स्मार्ट टिप्स के साथ स्मार्ट रेसिपीज देखना चाहते हैं, बने रहिए सीमा स्मार्ट किचन के साथ। इसी तरह से बाकी समोसे भी तल लीजिए। मुझे उम्मीद है इस रेसिपी को देखने के बाद
आप भी हलवाई जैसे समोसे घर में बना सकते हैं। देखकर और आवाज सुनकर ही लग रहा होगा समोसा एकदम खस्ता और टेस्टी बने हैं। वैसे मैं इस समय समोसा चाट बना रही हूँ। अगर आप समोसा चाट की रेसिपी देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। स्क्रीन पर आपको दो रेसिपीज दिखाई दे रही होंगी, इनमें से जो भी आपको पसंद है क्लिक कीजिए। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।